अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटा बेल्ट बेल्ट पहन लो। बेल्ट क्यों? वो तो लड़के लोग पहनते हैं ना, जिनकी पहन के सकती है। ये पैंट की बेल्ट नहीं बेटा, कार की बेल्ट, वो पहन लो। ये? हाँ ये, ये ये क्या है? ये बेल्ट है, सीट बेल्ट। तुम पहले कार में बैठी हो? नहीं, मैं कार में नहीं बैठी हूँ, पर ट्रैक्टर में बैठी हूँ। उसमें तो सीट होती है पर बेल्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, रुको मैं अभी करता हूँ। ये जो बेल्ट ऐसे खींचते और यहाँ पे लॉक कर दी, ये कार की बेल्ट है। ये जब भी कार चलाते वक्त झटका लगता है ना, तो ये हमें झटके से बचाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। ये टाइट तो नहीं है ज्यादा? नहीं। ओके डैड, ये कार में ही नहीं बैठी। हाँ तो तू कौन सा ट्रैक्टर में बैठा है? कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसे बात नहीं करते रहूँ। सॉरी बोलो। सॉरी। ओके गुड। अच्छा बच्चा, ये स्कूल कितनी दूर है? वो सामने है ना, वहाँ। ये स्कूल इतना पास था तो वो आदमी हमें इतना घुमा क्यों रहा था? वो तो रन विजय है, उसको आपकी गाड़ी चोरी करनी थी इसलिए वो आपको घुमा रहा था। प्लीज आप ज्यादा मत सोचिए। हम नहीं सोच रहे हैं करिश्मा, हम सोच नहीं रहे, ये ख्याल अपने आप आ रहे हैं हमारे दिमाग में। बड़ी मुश्किल से ऋषि की जिंदगी से दर्द दूर हुआ है, बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी को भुला पाया है वो। तुमने तो देखा है ना हमने क्या कुछ नहीं किया। हाँ भाभी देखा है, और ये आपकी कोशिशों का ही नतीजा है कि ऋषि आज लक्ष्मी से जुड़े अपने पास को भूल पाया है। एग्जैक्टली करिश्मा, और फाइनली वो वही ऋषि बन गया, पुराना ऋषि, हमारा ऋषि जैसा हम चाहते थे। हमारी जिंदगी से भी चिंता दूर हो गई है कि ऋषि के पास अब दुख नहीं आएगा, लेकिन देखो आज फिर से चिंता, फिर से वही चिंता वापस आ गई है, क्योंकि वो वहां चला गया लक्ष्मी के गांव। स्कूल तो सच्ची में अच्छा है डैड, है ना? हाँ मेरी स्कूल है, अच्छी तो होगी ना? ऑफ कोर्स तुम्हारा स्कूल है तो अच्छा तो होगा ही, तुम खुद इतनी अच्छी हो, एक हेल्प कर दोगी? ये स्कूल तुम्हारा है ना, तो तुम्हें पता होगा प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। हाँ मेरे स्कूल है, मुझे तो पता ही होगा ना बुद्धू। तुम उदास क्यों हो गए बुद्धू? तो अब बताओ कहाँ है, आओ। वो कॉलेजर है ना, उससे लेफ्ट लेना और प्रिंसिपल मैम का रूम है। ओके चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ।
यहीं पे बैठी रहना, मैं प्रिंसिपल से मिलके आता हूँ। मैं अपनी क्लास में जाती हूँ। ठीक है, तुम यहीं पे रुकना, तुम यहीं पे बैठना, ठीक है? मैं आता हूँ। स्कूल तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और उस बच्ची से मिलने के बाद तो और अच्छा लग रहा है। बहुत क्यूट है बच्ची, लकी है उसके माँ बाप जो उन्हें इतनी प्यारी बेटी मिली। जाकर अगर लक्ष्मी की यादें उसे फिर से आने लगी तो क्या करेंगे अब करिश्मा? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी तो वहाँ है ही नहीं ना। इनफैक्ट लक्ष्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर ऋषि को थोड़ी बहुत याद भी आएगी लक्ष्मी की भाभी, तो कुछ ही देर के लिए आएगी। वो कौन सा वहाँ रहने गया है, थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगा। सो प्लीज रिलैक्स भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ओके? एक बात याद रखना नीलम, ऋषि ने लक्ष्मी को दिलो जान से प्यार किया है, वो उसे भूल नहीं सकता। अगर गांव जाकर उसे लक्ष्मी की याद आती भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि गांव जाकर उसे लक्ष्मी की याद फिर से आ जाएगी, वो फिर दर्द से गुजरेगा, लक्ष्मी ने क्या क्या किया वो सब याद आएगा उसे। लेकिन तुम दोनों को ये नहीं लगता कभी कि यहाँ रहकर भी तो वो लक्ष्मी को याद करता ही होगा? तुम लोगों को लगता है कि वो अपना अतीत भूल चुका है। वो नहीं भूला है और ना भूल सकता है। जो टीचर ने काम दिया था वो हो गया। पार्वती, तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें कार में बैठते हुए देख लिया और अपनी बाइक दौड़ाई। मुझे लगा कोई तुम्हें उठा के लेके जा रहा है। ओफो, ऐसे कैसे कोई उठा के लेके जा सकता है? लेकिन बेटा, अनजान आदमी के साथ कहीं नहीं जाते, टीचर ने बताया है ना। और सब तो यही सोचते हैं कि तुम मेरे साथ गई थी। सॉरी सॉरी, अब से नहीं करूंगी यार। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके। वाह, तो कार में बैठी मजा आया होगा ना, बताना कैसा लगा? कार का तो पता नहीं, पर वो अंकल बहुत अच्छे थे। ऐसा लगा कि मेरे बाबा भी ऐसे ही होंगे। सेम। यहाँ तो कोई नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।